हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन गार्डनिंग एंड क्रिएटिव आर्ट वर्ल्ड। फ्रेंड, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ रोहियो प्लांट के केयर एंड प्रोपगेशन के बारे में। फ्रेंड्स, रोहियो प्लांट ऐसे एक प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत एक पेरिनियल प्लांट होता है, और पेरिनियल होने का कारण ये पूरा साल भर आसानी से चल जाता है, और इसको कई नाम से जाना जाता है। जैसे इसका नाम है ऑयस्टर प्लांट भी कहते हैं इसको, बोट लिली भी कहते हैं, मोजेस इन द क्रेडल कहते हैं, मैन इन द क्रेडल कहते हैं, ऐसे कई सारे नाम में इसको जाना जाता है, मगर मोस्टली लोग इसको रोहियो प्लांट के नाम से ही जानते हैं। और इसका दो तीन वैरायटी भी होते हैं। तो एक तो ऐसे होता है जो कि ऊपर से पूरा ग्रीन होता है और पीछे वाला पोर्शन, बैक पोर्शन इसका पर्पल होता है, और एक रोयो ट्राई कलर होता है जिसका ये वाला पोर्शन, ये पत्ते के ऊपर ये दो तीन कलर का स्ट्राइप होता है, जैसे वाइट, ग्रीन और पिंक का, थोड़ा साइड में पिंक और बीच में वाइट और ग्रीन का स्ट्राइप होता है, और बैक साइड बिल्कुल मतलब पिंकिश पर्पल होता है। तो ये बहुत खूबसूरत होता है। जो पूरा ऐसे ग्रीन कलर का प्लांट होता है, ये इसका थोड़ा मतलब जल्दी ग्रो होता है, और ये थोड़ा सा जो ट्राई कलर का है थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्लांट है। और फ्रेंड्स, इसका जो केयर है ये तो बहुत ही इजी है, इजी टू मेंटेन एंड इजी टू ग्रो प्लांट है। इसको मतलब पानी का बहुत ही कम, पानी इसको बहुत ही कम चाहिए होता है। ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है। इसको तो आप एक एवरी ऑल्टरनेट डे में पानी दे सकते हैं, या तो दो दिन में पानी दे सकते हैं, और विंटर में तो इसको 7-10 दिन में एक बार पानी देने से कम चल जाता है। और ये थोड़ा मॉइस्ट लविंग प्लांट होता है, मतलब इसका जो सॉइल है ये हमेशा थोड़ा मॉइस्ट रहना चाहिए, मगर ओवर वाटरिंग इसको ना करें। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट खराब होता है, इसका रूट रॉट होता है। अगर आप इसको पानी कम देंगे तो भी चल जाएगा, मगर ओवर वाटरिंग से ये प्लांट मर जाता है। और ये इजी टू मेंटेन इसलिए है, इस पे तो कुछ मतलब इंसेक्टिसाइड्स देने का इतना ज़रूरत नहीं होता है, इसको फर्टिलाइजर भी इतना नहीं चाहिए। बस अब जब इस प्लांट्स को मतलब नॉर्मल गार्डन सॉइल, थोड़ा सा कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है, और थोड़ा अगर सैंड मिक्स करेंगे तो ये वेल ड्रेन हो जाएगा सॉइल, इसी में ये बहुत अच्छी तरह से चल जाएगा। और साल में एक बार आप इसको लिक्विड फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं। और इसका जो एक है, इसका लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है इसका कलर। जैसे कि ये फुल सन में इसका कलर बहुत ही अच्छी तरह से खिल जाता है। आप इसको इंडोर में भी रख सकते हैं और आउटडोर में भी रख सकते हैं। आप इसको आपके पास अगर टेरेस है, टेरेस में रख सकते हैं, इसको बालकनी में रख सकते हैं। इसको इंडोर में अगर आप रखें तो जहाँ पे बहुत ब्राइट सनलाइट आता है, ऐसी जगह पे अगर रखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से चल जाता है। और इसका प्रोपगेशन है, देखिए इसको कहीं से भी, जैसे देखिए ये वाला प्लांट, ये मेरा एक, और ये हैंगिंग बास्केट पे भी बहुत अच्छी तरह से चल जाता है। तो ये वाला जो प्लांट है इसका देखिए, यहाँ से देखिए रूट है, ये बहुत सारा, ये पूरा पॉट जो था ये भर गया था, इसको मैंने फिर काट के दोबारा दूसरा पॉट में लगा दिया, और यहीं से इसका प्रोपोगेशन होता है। काफ़ी सारा बेबी प्लांट्स निकल आते हैं और एकदम गमला तो पूरा भर जाता है, और ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत खूबसूरत लगता है। और अगर आप गार्डन में लगाएंगे सॉयल में तो ये बहुत अच्छी तरह से मतलब ग्राउंड कवरेज के लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत अच्छी तरह से आप पूरा ग्राउंड को कवर कर लेते हैं ये। और अगर आप बालकनी में रखेंगे जहाँ पे 2-3 घंटा का धूप आता है तभी चलेगा, अगर आप टेरेस पे रखेंगे तो भी चलता है, इंडोर में जहाँ पे ब्राइट सनलाइट है ऐसी जगह पे अगर रखें तो बहुत ही अच्छी तरह से चल जाता है। इवन आप इंडोर में अगर रखेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट ना आए तो भी ये चल जाता है, अगर वीक पे आप एक दिन इसको थोड़ा धूप दिखाने से भी चल जाएगा। और इसको पानी तो कम चाहिए, और इसमें कुछ पेस्टिसाइड्स देने का, इंसेक्टिसाइड्स देने का कुछ ज़रूरत ही नहीं होता है। बस इसको साल में एक बार फर्टिलाइजर दे, लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, नहीं देने से भी चलेगा, इसको ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मगर ये खूबसूरती तो बहुत ही देते हैं, जहाँ पे भी रखेंगे ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। देखिए ये जो प्लांट है इसको मैंने पूरा इंडोर में रखा है,
विंडो में रखा है और विंडो के पास है। तो देखिए ये कितनी अच्छी तरह से ये ग्रो हो गया, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, देखिए ठीक है। और जैसे मेरे पास कोई मतलब पॉट नहीं था तो मैंने इसको जैसे एक आइसक्रीम का टब में भी लगा के रखा है, और एक तो मैंने अभी अभी लगाया, एक कप में लगाया, और ये जो एक लिक्विड डिटर्जेंट का बॉटल काट के उसी में लगाया। पर ये थोड़ा जो ट्राई कलर है स्लो ग्रोइंग है, बाकी जो ग्रीन कलर का होता है ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है। ये देखिए ये मेरा गमला कैसे भर गया। और ये जो एक प्लांट है इसको मैंने एक कप में लगा के रखा, इसको मैंने इंडोर ही रखा, और देखिए कितना भर गया ये प्लांट, और इतना ग्रो हो रहा, इतना लंबा ग्रो कर रहा है ये, मैं क्या बोलूं। और मतलब इसको ज्यादा केयर के तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं होता, ये इंडोर ब्राइट लाइट आता है, ये विंडो के पास ही रहता है। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसे लगा सकते हैं, और एक प्लांट से आपका काफी सारा प्लांट्स बन जाएगा और आपका पूरा गार्डन भर जाएगा। और आप दूसरा कोई प्लांट के साथ भी इसको लगा सकते हैं, जिस अगर दोनों प्लांट का रिक्वायरमेंट सेम जैसा है तो अच्छी तरह से चल जाता है। जैसे मैंने एक इसको ये स्नेक प्लांट के साथ लगा दिया, क्योंकि स्नेक प्लांट को भी काफी ज्यादा पानी का जरूरत नहीं है और इसको भी नहीं है, तो अच्छी तरह से चल जाता है। तो एक गमले में अगर आप एक दो प्लांट, यहाँ पे देखिए ये जो है ये एक प्लांट्स है, इसके साथ ये पता नहीं कहाँ से ये प्लांट्स निकल आया, तो इसके साथ भी ये अच्छी तरह से चल रहा है। तो फ्रेंड्स आपके कहीं से अगर आप नर्सरी से लेके आए, या तो किसी फ्रेंड के घर से, या तो कहीं से आपको ये अगर एक छोटा सा प्लांट मिले, तो इससे इससे आप काफी सारा प्लांट्स बना सकता है, और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। इजी टू ग्रो है, इजी टू केयर है, तो इजी टू मेंटेन है, तो आप इसको आसानी से ग्रो कर सकता है आपके घर में, और आपके गार्डन का खूबसूरती के लिए आप इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए तो इतना ही है, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक दे देना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर।